मेड इन चाइना प्लान के साथ साथ आईएसआई आतंकियों को भारतीय सेना की कार्रवाई से बचाने के लिए हर दिन नए नए तरीके अपना रहा है। पीओके में बैठे आतंकियों को सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए हाईली इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइस भी दिए जा रहे हैं, जिससे भारतीय खुफिया एजेंसियां उनकी साजिश को डीकोड ना कर पाए। इसके साथ साथ ही आईएसआई ने आतंकियों को भारत में घुसपैठ करने के लिए डिजिटल मैप भी दिया है, जिसमें नेविगेशन सिस्टम भी लगा है। तो दहशतगर्दी को किस तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा मिल रहा है, ये एक बड़ा खुलासा। आपको बता दें, नेविगेशन सिस्टम से भी लैस है ये। आईएसआई ने आतंकियों को भारत में घुसपैठ करने के लिए डिजिटल मैप भी दिया है। पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा। बॉर्डर पर आईएसआई का मेड इन चाइना प्लान। आतंकियों को चीन के ड्रोन और हथियार। एक और साजिश, एक और गुनाह। अब बर्दाश्त नहीं, पाकिस्तान तेरी खैर नहीं। बॉर्डर पर साजिश के रोज नए एक जाल बुन रहा पाकिस्तान अब अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए एक बड़ी चाल चल रहा है। इस बार उसका प्लान खतरनाक और शातिराना है। हमारी सेना से हमेशा मुंह की खाने वाले पाकिस्तान ने इस बार घुसपैठ के लिए पीओके में मेड इन चाइना मंसूबा पाला है। इस प्लान का मकसद आतंकियों को ऐसी ताकत देना है जिससे वो बॉर्डर पर भारतीय जवानों का सामना कर सके। इसके लिए पाकिस्तान ने पीओके में बने आतंकी कैंपों में चीन में बने हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है और इस काम में लगा है आईएसआई। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के मुताबिक पीओके में बने आतंकी कैंपों में आईएसआई चीनी हथियार पहुंचा रहा है। इन मेड इन चाइना हथियारों में अत्याधुनिक पिस्टल, ग्रेनेड, नाइट विजन डिवाइस शामिल है। वहीं आतंकियों तक हथियार पहुंचाने के लिए आईएसआई चीन में बने ड्रोन की मदद ले रहा है। इतना ही नहीं, आईएसआई ने आतंकियों को घुसपैठ के लिए डिजिटल मैप भी दिए हैं, जिसमें नेविगेशन सिस्टम से घुसपैठ कराने की साजिश रची जा रही है। इतना ही नहीं, पीओके में बैठे आतंकियों को सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए हाईली एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइस दिए जा रहे हैं, जिससे भारतीय खुफिया एजेंसियां उनकी साजिश को डिकोड ना कर पाए। बॉर्डर पर पाकिस्तान की हर नापाक चाल का सेना मुंहतोड़ जवाब देती है। बावजूद इसके पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता। बार बार आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए नए नए तरीके खोजता है। पाकिस्तान ने पीओके में बने आतंकी कैंपों में गतिविधियां बढ़ा दी हैं। आतंकियों को अत्याधुनिक हथियारों की मदद पहुंचाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पीओके में इस वक्त कई टेरर कैंप सक्रिय हैं। आईएसआई लगातार कैंप में आतंकियों की संख्या बढ़ा रहा है। ये आतंकी लॉन्च पैड एलओसी की तरफ शिफ्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के कैंप के नजदीक इन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि भारतीय सेना की कार्रवाई से इन आतंकियों को बचाया जा सके। अनंतनाग आतंकी वारदात के बाद जिस तरह पाकिस्तान के इससे तार जुड़े हैं, इससे लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है। इस आतंकी हमले का बदला लेने के लिए सेना बड़ा प्लान तैयार कर रही है, जिससे पीओके में आतंकी कैंपों में हलचल बढ़ने लगी है। पाकिस्तान भी आतंकियों को जवाबी हमले के लिए मजबूत कर रहा है। वैसे पाकिस्तान कितनी भी तैयारी कर ले, इस बार आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी हो चुकी है, इसलिए अब पाकिस्तान की खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।